हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटपुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम हरतालिका का व्रत गौराई विसर्जन प्रसाद कैसे बनाते हैं वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। हरतालिका व्रत के साथ साथ फ्रेंड्स, इसे काजल तीज का व्रत भी कहा जाता है और हमारे नागपुर में इसे काजल तीज के उपवास के नाम से ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, और ये जो प्रसाद मैं बना रही हूँ, ये जो हमारी गौराई होती है, इसमें हम एक दिन पूजा करते हैं, उसके बाद में इस तरह के सारे फल उसमें चढ़ाया जाता है और विसर्जन के दिन में इसका एक प्रसाद बनाया जाता है, वो आज मैं बता रही हूँ। और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो है ये भिगोई हुई चना दाल। ये चना दाल हमें भिगोई वाली लगने वाली है। उसके बाद में हमें केले लगेंगे, अनार लगेगा, सेब लगने वाला है, भुट्टा लगेगा, उसके बाद में भुनी हुई मूंगफली लगने वाली है, नारियल लगेगा, ककड़ी और ये शक्कर। और ये प्रसाद बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें भुट्टों को भुनना है। भुट्टे को भुनने के बाद में उसके हमें दाने अलग से कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फल को कट कर लिए, हमने भुट्टे को भी भून के उसके दाने निकाल लिए हैं। केले को हमें छिलकों के साथ में ही कट करना है, उसे हम ऐसे छिलके उतार के नहीं कट करेंगे, वरना वो पूरे प्रसाद में मैश हो जाता है। और एप्पल भी कट हो चुके हैं, यानी पूरे फ्रूट्स हमारे कट हो चुके हैं। अब हम प्रसाद बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एप्पल डाल देते हैं, ये अनार के दाने डाल देंगे, उसके बाद में भुट्टा डाल देंगे, नारियल और ये ककड़ी डाल देंगे, ये मूंगफली की भुनी हुई मूंगफली के दाने हैं फ्रेंड्स, इसे भी डाल देते हैं, और ये चना दाल। ये चना दाल फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको बहुत जरूरी होता है ये इसको डालना इसमें। ये भिगोई हुई चना दाल है ये है, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करना है। गौराई विसर्जन का जो दूसरा दिन होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने गौराई बैठाते हैं उसके दूसरे दिन जो विसर्जन का दिन होता है, हम इसको लेके जाते हैं नदी के तरफ में और वहाँ पे ये प्रसाद बना के ले जाना पड़ता है, और गौराई विसर्जन के बाद में ये प्रसाद वहाँ सबको बांटा जाता है। ये ऐसे मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। और जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद में फ्रेंड्स, इसमें हम केले डालते हैं, तो केले को हम मिक्स नहीं करेंगे, इसे ऐसे रखेंगे और ये बस हल्का हल्का हाथों से इसे ऐसे से करेंगे बस। और जब भी प्रसाद बांटना है, ये प्रसाद इस तरह से दिया जाता है और साथ में एक केला उठा के ऐसा दिया जाता है, इस तरह से हमें ये प्रसाद बांटना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी ये वीडियो तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन, प्लीज़ प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।